है मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो व्लॉग। ऑब्वियसली सबको दिख रहा होगा, अंधा तो कोई भी बैठा हुआ है। तो ये मैंने 6 जून को कर रही हूँ ये शूट नहीं वॉइस ओवर, क्योंकि मैंने ये फ्री नहीं थी और सारी बात इंस्टा पे रील्स देखनी होती थी, यूट्यूब यूज़ करना था, तो इतनी बिजी थी मैं, काम बनाती वीडियोस वगैरह, इस वजह से फिर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू की और अपने गिफ्ट दिखाए। ये है मेरी माथा पट्टी और पायल, जो मैंने सोचा था मैं अपनी ईद के लिए एक ड्रेस के साथ पहनूंगी। यार ईद भी आने वाली है ना, तो ईद के लिए भी मेरी चीज़ें नहीं, या जब मम्मा कहती है ना कि चीज़ तो तुम दोनों ने शेयर करनी, तो मुझे गुस्सा लगता है मैं शेयर करूँ। ये माथा पट्टी भी बहुत खूबसूरत है और ये पायल भी पाँव में पहनने के लिए, ऑब्वियसली पायल को पाँव में पहनते हैं, गले में तो टांगते नहीं हैं। माथा पट्टी भी गले में नहीं बांधते, सर पे पहनते हैं, सबको पता है, मैं क्यों बता रही हूँ। बल्कि फिर नेक्स्ट था ये गिफ्ट, यार ये मुझे नहीं, ये भी मम्मा ने दिया, ये भी बहुत प्यारा गिफ्ट है। ये है एक वॉच, तो ये इयररिंग्स मम्मा इतने प्यारे लाइन थी, क्योंकि ब्लैक कलर तो हर किसी को पसंद है, सच बताऊँ उस बार मेरा भी डार्क कलर, एक ही ब्लू जिसका जो मैंने जंप सूट पहने की, और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट हो गया। तो यार मेरे मम्मा ने हसली पहन हसली, क्योंकि मम्मा की ऐसे तुम्हें पहन लेना, मैंने कहा ये क्या बात हुई है मम्मा, क्योंकि अक्सर मम्मा मेरी चीज़ें शेयर कर लेती होती, मैं मम्मा की कर लेती होती ना, तो इस बार मैंने कहा मैं ये नहीं दूँगी, हरगिज़ नहीं दूँगी। मम्मा हंस पड़ी, मम्मा कहती अच्छा, तो आयशु ने मुझे कहा मैंने वॉच देखनी है, मैंने दे दी पहनने के लिए, बाद में मैंने कहा चलो वापस करूँ, मुझे मेरे पहननी है। तो अपनी बर्थडे पे नहीं है किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती है, लेकिन अभी समझदार हो गई है ये। इस बच्ची के गिफ्ट में जो हाथ में लेके बैठी थी ना, इसका नहीं है, कितनी प्यारी प्यारी खाने की चीज़ें, टेस्टी कहेंगे, खा प्यारी नहीं टेस्टी, फिर बहुत मज़े की थी। ये आयशा ने दी है मुझे आइला वाला, ये मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखा है सबसे ऊपर। ये है क्लिपबोर्ड, ये भी मम्मा की तरफ से, ये बहुत खूबसूरत है, प्लास्टिक का क्लिपबोर्ड है। ये मुझे फ़ोन गिफ्ट में मिला है, जस्ट किडिंग, इसके अंदर है बैंगल्स, दिखाती हूँ मैं वो भी। मैंने माथा पट्टी उठा दी जबकि मैंने बैंगल्स दिखाने थे, ये रे बैंगल्स, उसके बाद ही मैंने दोबारा से दिखाए क्योंकि उस वक्त दिख नहीं रहा था कुछ भी, ये ऐसे ही खाने पीने के लिए। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये भी, ये मेरे इयररिंग्स, ये जुमरी वगैरह इतना कुछ था अंदर। ये अगले दिन मैंने सारा कुछ खाली कर दिया। ये बैंगल्स भी आपने देखा होगा, यार ईद का सामान तो मेरा जमा हो गया, माथा पट्टी, पायल और क्या क्या मिला, और क्या मिला था, बैंगल्स और भी। चलो अब मैंने यार पिछली वीडियो जो है ना आप लोगों ने सुनी होगी, उसको भी लाइक करना, इसको भी लाइक करना, तब तक के लिए दोबारा थोड़ा सा सॉन्ग सुनते हैं। और अगर मेरे इंस्टा पे भी वीडियोज़ चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।